दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो में आप सबका स्वागत है। ये शो आपका यानी आम लोगों का शो है, क्योंकि आप इसमें सीधा सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछना बेहद आसान है। अपने मोबाइल कैमरे से 15 सेकंड में सवाल रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर भेज दें, 8097471285। आप चाहें तो ट्विटर के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं हमें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर भी टाइम्स नाउ नवभारत के पेज पर जाकर आप हमें कमेंट सेक्शन में सवाल भेज सकते हैं। अब आज का मुद्दा क्या है? उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कल हमने आपको ऑपरेशन मुख्यमंत्री दिखाया था और बताया था किस तरह खरीद फरोख्त हो रही है, छोटी पार्टियों के उत्थान के नाम पर सेल लगी हुई है, दुकानें सजी हुई हैं। पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश से एक और बात आ रही है। ओवैसी साहब हुंकार भर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किसी को नहीं छोड़ा है उन्होंने। मोदी, योगी, अखिलेश, मुलायम, बीएसपी सब पर आग उगल रहे हैं एक एक करके, असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन बोलते बोलते आज ओवैसी साहब हद पार कर गए और सीधे मन से मुसलमानों को नाम लेकर उकसाया। जरा सुनिए क्या कहा साहब असदुद्दीन ओवैसी ने। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 MLA मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते? मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के MLA को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुना दर्शकों आपने ओवैसी साहब कैसे यादव चीफ मिनिस्टर पर आग बबूला है। क्यों भाई साहब, लोकतंत्र में जनता को अपना सीएम चुनने का हक है। कौन सीएम बनेगा, यादव सीएम के लिए वोट दिया वो सीएम बना, जिसके लिए वोट पड़ा वो सीएम बना, सबको पता है कौन किस जाति से आ रहा है। खैर, जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी अभी यूपी में ओवैसी को लेकर भारी कंफ्यूजन में है। सोच रही है कहें तो क्या कहें, मुसलमान वोट कहीं डिवाइड ना हो जाए। अभी तक एक ऑफिशियल लेवल पर किसी सीनियर नेता ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। उन्हें लगता है कि ओवैसी को जवाब देकर उनकी तौहीन ना हो जाए। मुझे लगता है कि जवाब दें या ना दें ये सोचते सोचते बहुत देर ना हो जाए। खैर, ये उनकी कॉल है, जो भी वो ठीक समझे करें, हमें जो करना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब सब जानते होंगे कि ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, लंदन रिटर्न बैरिस्टर हैं। मैं भी कई बार उनके शानदार तर्क देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ और ये रूलिंग हमारे स्क्रीन पर यही आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2017 में ये रूलिंग दी है, धर्म के आधार पर प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। बैरिस्टर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा है 2 जनवरी 2017 में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि चुनाव पूरी तरह धर्म निष्पक्ष पद्धति है, अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और सीधा कहते हैं कि ये भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। ये जनप्रतिनिधित्व कानून 123(3) के अंतर्गत संबद्ध होगा, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में। लेकिन आप जानते हैं ओवैसी भाईजान, बैरिस्टर साहब, कोई दूसरा बोलता तो मैं मान लेती कि शायद उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है, जजमेंट्स का पता नहीं है, लेकिन खुल्लम खुल्ला मन से मुस्लिम यादव, पता नहीं क्या क्या आज आपने कहा। लेकिन क्यों,
सवाल पब्लिक का आज यहीं से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी धर्म काटा लेकर वोट मांगेंगे, यादव सीएम क्यों दिक्कत है, क्यों दिक्कत दे रहा है उन्हें? पहले तो सिर्फ हिंदू सीएम से प्रॉब्लम थी, अब यादव सीएम से भी प्रॉब्लम है। वोट के लिए क्यों नफरत फैला रहे हैं, ये सवाल आम जनता पूछ रही है। सीएम क्या जाति धर्म देखकर बनेगा, फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा ओवैसी जी? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आइए आज मैं मिलाती हूं आप सबको अपने मेहमानों से। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा जी, वारिस पठान साहब है स्पोक्स पर्सन है AIMIM, ओवैसी साहब की पार्टी है, जफर सरेश वाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुधींद्र भदौरिया लीडर हैं BSP के, और कपिश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। आज हम सब के साथ सारे जुड़े हुए हैं। कपिश श्रीवास्तव जी, आपसे पहले शुरू करती हूँ, क्योंकि नाम लिया यादवों का, तो 11% में यादव, 19% में मुसलमान चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं? यही है हमारा लोकतंत्र। देखिए नाविका जी, बहुत सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी बंटवारे की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी किसी धर्मवाद और जातिवाद की राजनीति नहीं करती। हम शुचिता का यज्ञ करते हैं, और शुचिता में लोकतंत्र में अधिकार है मतावलंबियों को, यानी कि जो व्यक्ति मत देता है निर्वाचन के लिए उस पार्टी की विजय होती है। और लोकतंत्र का यह प्रथम अधिकार है कि वो जीते हुए विधायक या जीते हुए सांसद हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं उस दल के, और विधायक जो है वो मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो इसमें तो जो कुछ भी है वो लोकतंत्र बना रहा है, और लोकतंत्र में हम समझते हैं कि सबका श्रद्धा होनी चाहिए, और माननीय ओवैसी जी की भी श्रद्धा होगी, लेकिन उनकी कुछ अपनी मजबूरियां वो कहें, लेकिन जनता जवाब देगी इस सवालों का कि ये क्यों नहीं और वो क्यों नहीं। बात यहाँ पर यही है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला छोड़ा उस पर हमारे कुछ अभी भी पार्टियां चल रही हैं, और वो एक दूसरे की पूरक। कमाल है, आपने कह दिया कि जाति के आधार पर कम से कम समाजवादी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती। ये MY का जो फॉर्मूला, ये तो शायद हमारे पूर्वज बना गए थे, या उसके उनके भी पूर्वज बना गए थे। वारिस पठान साहब, कपिश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, उनका कहना है कि ये आपकी मजबूरी हो गई है कि किसी न किसी तरह आप वोट को बांटे, लोकतंत्र को बांटे। तो वारिस पठान जी, समाजवादी पार्टी कहती है उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जाति या किसी धर्म के आधार पर वोट लिया। MY फॉर्मूला शायद उनका नहीं है, एटलीस्ट आज वो ये कह रहे हैं MY फॉर्मूला इनका नहीं है। लेकिन वारिस पठान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बैरिस्टर साहब क्या लॉ नहीं जानते? क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स नहीं पढ़ते? 7-judge बेंच ने 2 जनवरी 2021 में कहा था कि आप धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, ये माना जाएगा जैसे आपने कानून का उल्लंघन किया है, और करप्शन के साथ इसको जोड़ा जाएगा, उसी नजर से देखा जाएगा। वारिस पठान जी, क्या मजबूरी है आपकी उत्तर प्रदेश में? कोई मजबूरी नहीं है, संविधान ने जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, उसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अधिकार दिया है, और हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमको भी हमारा हिस्सा चाहिए यूपी पॉलिटिक्स में। क्योंकि नविका जी, इतने सालों से आपने देखा 60 बरस हो गए, ये तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज थी, इन लोगों ने मुसलमानों के वोट लिए, मगर क्या किया मुसलमानों के लिए, चलिए बताइए। आज 7%, 8%, 9% वाला बन जाता है प्रधान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मगर एक 20% वाले जो लोग हैं उनका कोई आज तक आगे बढ़े ही नहीं वो लोग। आज एजुकेशन में आप देखिए तो 2% लोग ही सिर्फ ग्रेजुएट होते हैं मुस्लिम्स के अंदर, क्यों नहीं हुआ ये? तो क्या समाजवादी, BSP, कांग्रेस में क्या कोई ऐसे मुस्लिम नेता नहीं थे? मगर इनकी नीयत ही नहीं है बनाना। और हम जा रहे हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, हम जा रहे हैं लोगों को उनका अधिकार दिखाने के लिए, क्या गलती कर रहे हैं इसमें? नहीं, आप सुन सकते हो रविका जी, मुझे गलती तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बैरिस्टर साहब ने पढ़ी नहीं थी क्या, कि जानने के बावजूद ऐसा स्टेटमेंट कहा?
धर्म और जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। ये तो सीधा सीधा वोट मांग लिया। किसने मांगा धर्म जाति के नाम पे वोट? वो तो बीजेपी का काम है धर्म जाति के नाम पे वोट मांगना, बीएसपी का काम है। बीएसपी ने जब ब्राह्मणों का सम्मेलन लगाया तब तो आपने नहीं कहा कुछ भी। आज राहुल गांधी चले गए वैष्णो देवी में, वहां तो आपने कुछ नहीं कहा। जब समाजवादी पार्टी यात्रा निकालते जब आपने नहीं कहा, जब भाजपा निकालती है जन आशीर्वाद यात्रा तभी तो नहीं होता है कुछ। आप इबादत के लिए मस्जिद जाएंगे तो हम क्यों कुछ कहेंगे? हम सिर्फ प्रश्न ये पूछ रहे हैं, ये भी पब्लिक की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पब्लिक का है और पब्लिक पूछ रही है 11% यादव का चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो 19% मुसलमानों का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? ये सीधा सीधा आप जाति और धर्म के नाम पर पढ़ रहे हैं। नुपुर शर्मा, बैरिस्टर साहब तो शायद लॉ नहीं जानते, आप भी लॉयर है, आपने आप नाविका जी आपने आगे का स्पीच नहीं देखा असद ओवैसी साहब का? मैंने सारा आपने सुना। आगे का असद ओवैसी साहब का स्पीच नहीं सुना? देखा भी, सुना भी और समझा भी। टिकट देंगे, उन्होंने कहा हम ओबीसी भाइयों की भी बात कर रहे हैं, हम दलित भाइयों की भी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारे देश के अंदर देखा जा रहा है कि मुसलमानों और दलितों का कंटिन्यू मॉब लिंचिंग चालू है। पहले आप मुसलमानों की बात कर लेते हैं, उसके बाद लिपापोती के लिए आप कुछ भी कह दें और आप कहेंगे कि भाई हम तो बिल्कुल सही करते हैं। नुपुर शर्मा, वारिस पठान की दलील से आप कन्विंस्ड है? देखिए, जो ओवैसी जी ने अपनी इस स्पीच में कहा है वो तो दिखला ही देता है कि इनकी राजनीति क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं वारिस भाई, गणपति बप्पा मोरिया, जरा बोलेंगे या माफी मारेंगे? आप कहते हैं ना कि हम तो धर्म जाति और तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, जरा बोलिए। पेट्रोल जिंदाबाद, बोलिए डीजल जिंदाबाद, ये भी आप बोलिए ना। माफी नहीं नुपुर जी, कभी पेट्रोल जिंदाबाद भी बोलिए। आप इसी में रह गए। आप लोग गणपति बप्पा मोरिया बोलने से क्या वो जो जाने चले गई गंगा घाट पे वापिस आ जाएगी? हाँ, अगर आ जाएगी तो बोलिए, मैं बोलता हूँ। अगर जो लाखों लोगों के जो रोजगार छीन लिए गए उनके, नहीं तो क्यों बोलूं मैं आपके बोलने से? क्यों बोलूं? आप बोलो नारे तकबीर अल्लाह अकबर, बोलो आप बोलिए मेरे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलिए ना आप भी। आप नहीं बोलेंगे, मैं क्यों बोलूं आपकी बात पे? क्यों बोलूं? मैंने थूक के चाटा नहीं, आपने किया। उसमें तो आपका मोनोपोली है धार्मिक राजनीति करने में, तो आप लोग का पीएचडी है बीजेपी का, तो मोनोपोली है धार्मिक राजनीति करना। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, ये तरीका नहीं डिबेट करने का। किससे माफी मांगा? चलिए बताइए किससे माफी मांगा? किसने माफी मांगा? कब माफी मांगा बताइए? कब माफी मांगा? किसने मारा? कब मांगा? कुछ नहीं आपको पता है? माफी नहीं मांगी, बोलो गणपति बप्पा। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल दो। चलो बोल दो। नहीं नहीं, आपकी तो आदत नहीं है मेरे बोलने से। अगर वो जो शवों को हमने देखा गंगा घाट पे तैरते हुए, उनकी अगर जीवन वापिस आ जाता है तो मैं जरूर बोलूंगा। जिस कोलिशन में नविका जी, बिल्कुल है, क्यों नहीं बात करेंगे? आप गाय गंगा दंगा मंदिर की बात करेंगे? अरे आप लोग तो पाखंडी लोग हो नुपुर जी। आपने राम के नाम पे वोट लिया, आप राम के नाम पे सत्ता में आए, आपने राम का मंदिर बनाने के नाम पे वोट लिया, राम के नाम पे ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में कपड़ा कर दिया हम लोग ने तो। बारिश पठान जी, कम से कम डिबेट में तो लोकतंत्र रहने दीजिए। राम के नाम पे कपड़ा कर दिया, डिबेट में तो लोकतंत्र रहने दीजिए। नुपुर जी बोल रही है, बोलने तो दीजिए। 19% वोट पे जैसे मांग रहे थे, थोड़ा सा समय उस 19% के हिसाब से नुपुर जी को भी दे दीजिए। देखिए नविका जी, ये कभी नहीं करते धर्म के आधार पर राजनीति। अरे 19% लोग भी वोट करेंगे, ब्राह्मण भी वोट करेगा हमको, दलित भाई भी वोट करेगा, सब वोट करेंगे हमको नविका जी। मैं तो चुप बैठी हूँ, ये बोल लेंगे, ये मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे। ये 19% हाँ, अरे नहीं, मैं भूल गई, 19% हाँ भी नहीं होना चाह रहे। ये कहना चाह रहे, आपने सवाल किया तो जवाब भी नहीं सुन रहे हो आप। सवाल करके जवाब सुनने का तो कंटेंसी रखिए। ये कहना चाह रहे हैं नविका जी, इसलिए नहीं बोलने दे रहे क्योंकि 15 करोड़ मुसलमान, 2 करोड़ हिंदुओं पे हावी होना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, आप भी बोलिए ना, भी बोलना चाह रहे हैं। अरे वो हराम जादे क्या था? एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो, वो क्या था? देश के गद्दारों को गोली मारो, वो सब क्या था? उसके बाद गौर लगाइए ना नुपुर जी।
उन तकरीरों को आप क्यों भूल जाते हो? जजमेंट के खिलाफ माना जाएगा, कॉन्टेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आप क्रेडिट क्यों ले रहे हो मंदिर का? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों क्रेडिट ले रहे हो मंदिर का? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या कहा इनके फॉर्मूले पे? नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, पठान साहब, पठान साहब, पठान साहब, आप पहली बार टाइम्स नाउ नव भारत पर आए हैं, आपका इस्तकबाल किया, आपका स्वागत किया, लेकिन आप आए हैं तो जरूर छाइए, पूरे चैनल पे छाइए, पूरी दुनिया पर छाइए, उत्तर प्रदेश में छाइए, पर इतना भी मत छाइए कि किसी और को बोलने की जगह भी ना मिले। बोलने दे, बोलने दे। नुपुर जी कुछ कह रही हैं, आपको कोई करेगा और जवाब भी नहीं दूं? अरे जवाब जवाब का पूरा समय दूंगी, पूरा वक्त दूंगी आपका। दिया है ना बीजेपी के प्रवक्ता को और मेरे को। देखिए फिर कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं। अरे उनके प्रवक्ता को बोलने का अधिकार है, नविका जी तो मुझे भी अधिकार है। आप तो संविधान को मानो नविका जी, आप तो एंकर है, आप तो भाजपा की तो हाँ मुझे मालूम है। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब जाने ना जाने मैं संविधान का ख्याल जरूर रखती हूँ, मैं संविधान का ख्याल जरूर रखती हूँ, पर एक मिनट पठान साहब, एक मिनट पठान साहब, एक मिनट, एक मिनट, तरीका नहीं है प्लीज, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। जी जी नुपुर जी, आप अपना आप अपनी बात खत्म करिए, मैं सुधीर भदौरिया जी और जफर सरेश वाला जी को भी अंदर लाना चाहूंगी। जी नुपुर, हाँ, प्लीज आइए, उनका समय भी जाया हो रहा है, आपके दर्शकों का भी जाया हो रहा है, और ये क्योंकि बहुत डरे हुए मुसलमान हैं, गणपति बप्पा मोरिया। ऐसी बात है कि एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का फॉर्मूला आया था, सबने सुना, तो भाजपा 2021 में, देखिए बोलने नहीं देंगे लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूंगी, कि 5 वर्षों के अंदर 5 अलग अलग धर्म और जाति के हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश में, ये तो इनका फॉर्मूला है। अब मुझे बताइए ये क्या फॉर्मूला, एक मुसलमान, एक साल राजभर, एक साल चौहान, एक साल कुशवाहा, एक साल पटेल। भैया जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात आती है तो यहाँ पे ऐसे 5 चीज नहीं गिनना हो सकते है वारिस पठान जी, कि इनकी AIMIM ने इनके मुसलमान भाइयों के लिए क्या कर दिया? विश्वास तो देखा हमने किस तरह से कानपुर में गरीब ऑटो रिक्शा वाले को उसके 8 साल की बच्ची के सामने मारा गया, जय श्री राम बोल दादागिरी से, RSS बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की दादागिरी हमने सबने देखा, एक चूड़ी वाले को इंदौर में किस तरह मारा गया सबने देखा, ये बात तो आपने हमने सबने देखी, तैरती हुई लाशें हमने देखी है गंगा घाट के ऊपर, तैरती हुई लाशें भी हमने देखी है, कुत्ते नोच के खा रहे थे ये भी हमने देखा है, कोविड काल में मोदी ने क्या किया हमने सबने देखा है, मोदी ने किस तरह फेल हो गया पूरी तरह से कोविड काल में सबने देखा, लाखों लोगों का रोजगार छीन गया ये भी सबने देखा है, और इसका जवाब मिलेगा। एक मिनट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वारिस पठान जी आप किसी को बोलने देना नहीं चाहते, और मैं आपसे गुस्ताखी करना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी कि कम से कम दर्शकों पर जो आम आदमी है उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, शायद आपको वोट डालना चाहे, कम से कम उनको ये तो मत दिखाइए कि आप किसी को बोलने नहीं देते, बेचारा डर जाएगा, सोचेगा कि आप वोट ले जाएंगे तो उसके बाद उसे भी बोलने नहीं देंगे, थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ा सा धीरज अच्छा होता है, सेहत के लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी। ठीक है, धीरज रखेंगे, इत्मीनान रखेंगे, आप हमको बोलने का मौका दीजिए, बिल्कुल, मगर कोई अगर इल्जाम लगाता जाएगा तो नाविका जी चुप नहीं बैठेंगे, माफी मांगनी पड़ जाएगी, बिल्कुल। सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, और सुधींद्र भदौरिया जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सेक्युलरिज्म का पार्ट ये दुनिया को बताते थे और उस खेमे में शामिल थे जहाँ सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज थी, अब उन सेक्युलर पार्टीज के समय कम से कम एक प्रेसिडेंट इस देश के APJ अब्दुल कलाम जैसे नहीं बने थे, बीजेपी ने बनाया था वाजपेयी साहब के समय, और मैं आपको बताऊंगी कि इनको हमेशा ये रहता है मलाल दिल में कि भाई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा कोई मुसलमान, क्यों ये भूल जाते हैं कि गवर्नर रह चुके हैं अजीज कुरैशी साहब, मोहम्मद लोग बैठे हुए हैं जी, कार्यक्रम के अलावा जो आपके लोग मैनेज कर रहे हैं उनकी बहुत आवाजें आ रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे,
शरीफ भाई आप शरीफ भाई भदौरिया साहब आ रही हैं। नहीं अब तक तो आपको सुनाई इसलिए नहीं दे रहा होगा क्योंकि वारिस पठान साहब हर किसी के ऊपर बोल रहे थे इसीलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा था। ये हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रॉब्लम है। मैं नाविका जी मैं ये कह रहा हूँ वारिस पठान की वजह से नहीं है, आपके जो लोग प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी बहुत सारी आवाजें चली आ रही हैं। अब नहीं आ रही होगी, अब नहीं आ रही होगी, अब नहीं आ रही। बोले आप अपना प्रश्न करें, इतनी आवाजें बीसियों आवाजें एक साथ आ रही थी। सॉरी माफी मांगती हूँ आपसे, अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हाँ साउंड ठीक कर दे। भदौरिया साहब एक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग होने के बावजूद धर्म के नाम पर और 30 मिनट के वक्तव्य में भाषण में रैली में अगर ओवैसी साहब को 12 बार यादवों को कोसना पड़े तो आप मुझे ये बताइए कि ये लोकतंत्र और इलेक्शन का आगाज इस तरह हुआ करेगा? देखिए मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से आपके सम्मुख बात रखने के लिए उपस्थित हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ लगभग 10 वर्षों से कम मैं याद कर सकता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी में बहस किया करता था, आज आप हिंदी में प्रश्न कर रही हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हमारी ये मादरी ज़ुबान है, हमारी मातृभाषा है और मैं इस भाषा में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है आपके इस चैनल पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी अन्य क्या पार्टियाँ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं उसके लिए जवाबदेही हमारी नहीं है। वो लोग हैं यहाँ पर इस चैनल में भी बैठे हुए हैं और आपकी बहस में भी बैठे हुए हैं, पर मैं अगर जवाबदेही मेरी बनती है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो पृष्ठभूमि है परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को लेकर चलने वाली, इसके साथ साथ मान्यवर काशीराम जी के विचारों को लेकर चलने वाली और फिर मान्यवर काशीराम जी के साथ जिस प्रकार से बहन मायावती जी ने ये जो पुरानी दलित शोषित वंचित अल्पसंख्यक और सर्व समाज मतलब सभी गरीब लोगों को उन लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 40 वर्षों में उनकी पृष्ठभूमि है और जब जब हमारी सरकारें बनी हैं सभी की भागीदारी रही है, सभी की हिस्सेदारी रही है, सभी के मंत्री बने हैं और बड़ी बड़ी तादाद में विधायक हमारे जीते हैं। इस बार भी आपको ये तो जानकारी कारी है कि लखनऊ में हमारी अभी कुछ दिन पहले ओवैसी साहब कह रहे हैं पिछड़ी पार्टियों के साथ राजभर जी के साथ वो हैं जहां जहां दुकानें सजी हुई हैं, सेल हो रही है कि कौन सा फ्रंट कौन सी अलायंस उन्हें ले जाए वहां, वो कह रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अब दलितों की नहीं रह गई क्योंकि वो ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। तो आप पर भी निशाना है, यादवों पर तो निशाना है ही, आप पर भी निशाना है। देखिए हम पर खूब निशाना भारतीय जनता पार्टी भी दागे, हमारे ऊपर खूब निशाना अन्य पार्टियां भी दागें, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और हमको उन्होंने टेस्ट किया हुआ, ऐसा नहीं है कि हमको टेस्ट नहीं किया, इन पावर टेस्ट किया, आउट ऑफ पावर भी टेस्ट किया है। तो हम लोगों ने अपने काम के माध्यम से अपनी एक पृष्ठभूमि है, हमारे जैसे निजी स्तर पर हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने 4-4 दशक काम किया, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हम लोग इस प्रकार की राजनीति नहीं करते, हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और उसमें हम सभी को सम्मान देना चाहते हैं। प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था, उसमें हम लोगों ने तमाम उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ अन्याय और जुल्म हो रहा है उन बातों को रखा है जो कि यथार्थ है और उसमें अगर किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ रख सकते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ जो अभी कर रही थी ये नारा लगाइए वो नारा लगाइए, इसी प्रकार से ये करते हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भी। जैसे वहाँ पर ये एक रिक्शे वाले को किसी इतनी बुरी तरह से पीट रहे थे, जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो, अरे भाई ये हमारे आस्था का प्रश्न है, हम
हमने तो ये पढ़ा बचपन में कि भगवान राम कण कण में रहते हैं, हर जगह विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, पर ये जबरदस्ती इस प्रकार का नुपुर शर्मा के नुपुर शर्मा आपको जवाब देना चाहती है। नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया है भदौरिया जी ने, जवाब दीजिए। देखिए बहुत आसान होता है कहना कि हम नहीं करते, हम नहीं करते, तो 2019 के अंदर मायावती ने क्यों ऐसा भाषण दिया कि उनको ईसी ने बैन कर दिया दो दिन के लिए कैंपेन करने से? क्या कहा था? सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ, लोकसभा के लिए वोट दो। देखिए ऐसा है, आप क्यों नहीं बोली? ये अगर डिबेट ये है कि नुपुर को नहीं बोले ना तो पहले बता दीजिए। हाँ। मैं तो किसी के और के ऊपर बोले नहीं, आपने पूरी अपनी बात कही, मुझे भी बोले दीजिए। तो मैंने वारिस जी को काउंटर करने के लिए मैंने जो बात कही वो तो बकायदा सुर्खियों में टॉप न्यूज थी 2018 सितंबर माह की, कि वारिस जी ने माफी मांगी लिखित में गणपति बप्पा मोरिया कहने के लिए। फिर दावा करते हैं जी हम तो सेक्युलरवादी हैं, तो मुझे बता दीजिए ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि बोलने के बाद माफी मांग दी? और बहन मायावती ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने दो दिन के लिए उनको बैन किया, उसके लिए वो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक भागी? बताइए जरा मुझे, तो यहाँ बैठ के बड़े बड़े बोल दे रहे हैं कि हम तो नहीं। हाँ, सुन लीजिए, देखिए ऐसा है, अब आपने मुझसे प्रश्न किया तो उत्तर देने का भी अवसर दीजिए। तो मुझे बता दीजिए, ठीक है, ब्राह्मणों को देखिए, नुपुर शर्मा जी आपने आपने प्रश्न उठाया है भदौरिया जी पर और वारिस, पहले भदौरिया जी का जवाब सुन लीजिए फिर मैं वारिस पठान के पास आती हूँ। भदौरिया जी देखिए, हमारे देश में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें धर्म भी और इसके साथ साथ जाति भी, ये एक वास्तविक सच्चाई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है ये, हमारे कानून और संविधान ने इसको ये खारिज तो नहीं किया। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि चुनाव में एक ऐसी भाषा, और कोई ऐसा दल अछूता नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों का तमाम भाषण गिना सकता हूं जहां इन्होंने इस तरह के नारे लगवाए हैं यहां दिल्ली के अंदर, और वो पार्टी में नेता बने हुए हैं, उनको बड़े बड़े पद मिले हुए हैं, जो कहते हैं ये देश किन लोगों का है, या तो रामजादों का रहेगा या फिर किसी और जादों का रहेगा। वो भाषा आप ही को शोभा देती है, हम लोगों को नहीं शोभा देती है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऐसा है कि आप मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये भाषा मत बोलिए। आपने भी गलतियां की हैं, हो सकता है कुछ उल्लंघन हो गया, पर हमने संविधान का उल्लंघन नहीं किया कभी, हमने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन वारिस पठान जी, वारिस पठान जी जिसको डिफेंड कर रहे हैं वो तो उल्लंघन है ही, जो ओवैसी साहब ने आज कहा है कि वो उल्लंघन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो जनवरी में आई है। नविका जी, नविका जी यहाँ पे एक सेकंड बोलना चाहूंगी मैं। अब मैं बोलू नाविका जी, अगर नाविका जी आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात पेश करूँ। सर्वोच्च न्यायालय गलत था, ये कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन किसके तहत चलती है? भारत के संविधान के तहत चलती है। सवाल मुझे क्या, आप देखिए नविका, ये तो बराबर बात है। सही सवाल है, वारिस पठान जी आप नुपुर शर्मा के सवाल का जवाब देना चाहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया पर आपने क्यों माफी मांगी? लेकिन इससे पहले सबसे जरूरी क्या है वोट के लिए? पब्लिक, और पब्लिक देती है वोट, तो पहले पब्लिक का भी सवाल सुन लीजिए और फिर दोनों के जवाब एक साथ दे दीजिएगा। ये है पब्लिक का सवाल। मेरा सवाल यह है कि धर्मनिरपेक्ष देश में जब मुख्यमंत्री ही जाति और धर्म देखकर बनाया जाएगा तो क्या सही मायने में लोकतंत्र चल पाएगा? ओवैसी तो माइनॉरिटी की बात करते हैं, खाली मुस्लिम को ही मानते हैं वो माइनॉरिटी, बाकी माइनॉरिटी तो दूसरी है, मुस्लिम तो मेजोरिटी में है, 20% कोई माइनॉरिटी नहीं होते हैं, फिर क्यों नहीं बात करते वो दूसरी की, माइनॉरिटी के लीडर बनते हैं तो? महाराष्ट्र से सतीश जी पूछ रहे हैं आपसे, 20% होके माइनॉरिटी माइनॉरिटी करते हैं, 2% 1% 0.01% माइनॉरिटीज की कभी याद नहीं आई आपको? वारिस पठान जी, नहीं नहीं याद तो सबकी आई नविका जी। मैं अभी बताना चाहूंगा कि नुपुर शर्मा ने अभी ही, नुपुर जी ने आप ही के चैनल पे बैठ के आधा घंटा बात किया होगा, मगर उन्होंने क्या बात की? गणपति पे बोलिए,
भारत माता पे बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, जय श्री राम, इसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट की बात इन्होंने करी है क्या? चलिए बताइए, ये सबको एक ही चीज बोल रहे हैं, आपने ये बयान दिया था, आपने वो बयान दिया था। अरे कभी डेवलपमेंट की भी बात कर लिया करो, कभी ये भी बता दो गंगा किनारे जो लाशें तैर रही थी, जब लाशें तैर रही थी गंगा किनारे और जिनको कुत्ते नोच के खा रहे थे, कौन जवाबदार था? मोदी कहाँ थे तभी? ऑक्सीजन के बिना लोगों की जाने चले गई तब? देखिए कितने डिसेंट, कितने डिसेंट पैनलिस्ट है रविकांत जी आपके चैनल पे, सवाल मुझे किया, जवाब मैं दे रहा हूँ। और कितने देखिए ये डिसेंसी है, ये डिसेंसी इनकी, देखिए पूरी तरह नूपुर शर्मा एक्सपोज हो चुकी है आपके ही चैनल पे बैठकर, कितनी डिसेंसी है इनमें देखिए। 45 सेकंड का आपका समय था बारिश पठान जी पब्लिक के सवाल का जवाब देने का, आपने आपने जवाब ही नहीं दिया। अरे भैया मैं जफर सरेश वाला से पूछना चाहती हूँ, जफर सरेश वाला जी यहाँ बैठकर वारिस पठान जी नूपुर जी को बोल रहे हैं, कह रहे हैं डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे, आप भारत माता की जय कर रहे हो, आप वंदे मातरम कर रहे हो, गणपति बप्पा मोरिया कर रहे हो, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, विकास की बात नहीं कर रहे। अरे डेवलपमेंट की बात तो ओवैसी जी ने भी नहीं करी बाराबंकी में, कहाँ बोले कुछ विकास पे, कहाँ बोले गंगा में डेड बॉडीज के, क्या बोला? यादव 11% मुसलमान 19% हमारा सीएम बनेगा, मैथमेटिक्स की क्लास थी, मैथमेटिक्स बता रहे थे, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं। डिबेट पर जब आए हैं, डिबेट पर जब आए हैं तो आउट ऑफ सब्जेक्ट बोलने का इनको बहुत शौक है। जफर सरेश वाला जी ऐसा क्यों? देखिए नाविका जी जो असल आपकी डिबेट की बोलने नहीं देखो एक मिनट भाई वारिस भाई, इतना तो यार बोलते हो भाई, बोलने तो हमको तो थोड़ा ही मिलता है, आप ही ले रहे हो, कम से कम बोलने दो। देखिए नाविका जी, ये ओवैसी साहब जो आए आज यूपी में, तो वजह क्या हो? यानी आप देखिए कि 10 साल इससे पहले, योगी साहब से पहले 5 साल समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही, उससे पहले 5 साल बीएसपी की हुकूमत रही, और कांग्रेस तो खैर यूपी में है ही नहीं। एक फीलिंग ये आती है मुसलमानों कि ये पार्टियां जो है सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। अब देख लीजिए, यानी अगर टेलीविजन की चैनल पे भी जो स्पोक्स पर्सन आते हैं, बीजेपी के 2-3 मुसलमान दिखेंगे आपको स्पोक्स पर्सन, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आप मुझे बता दीजिए कि एक स्पोक्स पर्सन मुसलमान नहीं होता। बाकी पार्टियों का सब देख लीजिए आप, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, ये अपने किसी भी ये एक बता दें कि इनका कोई मुसलमान नेता हो या उभर के आया हो, तो ये एक फीलिंग जो है एक आ रही है कि देखिए बीजेपी की बात नहीं है यहां पर, इसलिए कि बीजेपी कभी भी मुसलमानों की बात नहीं करती, ये जो मुसलमानों की बात करते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि एक ऐसा लीडर, ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं यूपी में, बता दीजिए आप मुझे कि जो 5,000 लोगों को जमा कर सके, उसके मुकाबले में ओवैसी साहब, उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये ओवैसी साहब जब आते हैं आपके लखनऊ में या जहां भी, उनकी जो सभाएं होती हैं लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो ये अब मुसलमानों के अंदर में घर कर चुकी है बात कि ये जो सेक्युलरवादी या जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, इनको मुसलमान बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। तो मुसलमान अब उसमें परेशान नहीं है, अगर मुसलमान समझता है कि अगर चलो समाज ओवैसी की पार्टी को अगर वोट दें, चाहे वोट कट जाए और उसकी वजह से अगर बीजेपी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जो मुसलमान बहुत ही कंफ्यूज है वो ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों से, और आप मुझे उसका जवाब दीजिए। और मुसलमान देखिए ये भी देख रहा है अभी कि भाई योगी के 5 साल और उससे पहले अखिलेश के 5 साल, अखिलेश साहब के 5 साल में ऐसा क्या उन्होंने दिया था कि योगी के जमाने में नहीं हुआ है, या ऐसा क्या नुकसान हुआ है? तो ये बातें अब मुसलमानों के अंदर में घर कर रही है, और उसको एक बीजेपी की हेट्रेड जो है वो धीमे धीमे कम हो रही है, इसलिए कि वो भी अब संजीदगी से सोच रहा है। और देखिए नविका जी, मुसलमान कोई एक होमोजीनियस बॉडी नहीं है कि सारे मुसलमान एक तरफ वोट करेंगे, और मैं एक और बात कहता हूं कि मुसलमान कभी भी इस तरह से वोट नहीं करता मुसलमान बन के या किसी मुसलमान को,
वो इश्यू को लेकर वोट करता है और इश्यू के ऊपर जाता है। वो इस तरह से अगर आप देखें कि अगर वो मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट करता है तो लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने तो किया नहीं पिछले तीन दिनों में। अब मैं आपको तीन चीजें पूछना चाहती हूँ वारिस पठान साहब। टॉपिक ओवैसी का है तो मुझे तो बोलने दो। हाँ पहले पूछ तो लूं, एंकर को तो बोलने दो, बोल लूं। हाँ पूछिए पूछिए। तो सवाल है पिछले तीन दिन में ओवैसी साहब की रैलीज में क्या क्या कहा उन्होंने। पहले दिन कहा हम गुलाम नहीं लड़ेंगे, किसी को जिताने नहीं आए, 60 साल से दूसरों को जिताया, इस बार मुसलमान जीतेगा, यूपी में मुसलमान की हालत बदतर है, सबने मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। सिर्फ मुसलमानों की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट की नहीं है, मुसलमानों की प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरे दिन बधाइयों सुजानपुर, किसी ने मुसलमान को नेता नहीं बनाया, मुसलमान का अब इस्तेमाल नहीं होगा, क्या मुसलमान अखिलेश के गुलाम है, अखिलेश मायावती की वजह से मोदी प्रधानमंत्री हैं। फिर उन्होंने कहा बाराबंकी में 11% यादव तो मुख्यमंत्री, 19% मुसलमान से क्या, मुसलमान को सिर छाती पर गोली मारते हो, 3 तलाक हटाना संविधान के खिलाफ है, किसी कानून का इस्तेमाल यादव पर नहीं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप विकास डेवलपमेंट की इतनी बातें कर रहे थे पठान साहब, मुझे बता दीजिए ना कि इन सारी बातों में विकास कहाँ खो गया मेरे भाई, बताइए विकास कहाँ है। ये भारत अच्छा, माता की जय बोलने के टाइम आपको विकास याद आ जाता है, पेट्रोल याद आ जाता है, गणपति बप्पा मोरिया के टाइम आपको पेट्रोल डीजल जय हो याद आ जाता है, ऐसा क्यों पठान साहब, क्यों डाइवर्ट करते हैं हर चीज। अच्छा नविका जी, अब तो मुझे बोलने दो, अभी सुनिए नविका जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। 7 तारीख से ओवैसी साहब ने अपनी शुरू की सूचित वंचित बहुजन सम्मेलन की यात्रा फैजाबाद रुदौली से, 8 तारीख को सुल्तानपुर में गए, 9 तारीख को आज बाराबंकी में थे। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम वहां जा रहे हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हम यूपी में हमारा हिस्सा लेके रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों को भी पॉलिटिकली एम्पावरमेंट होने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर 11% वाला सीएम बन सकता है तो क्यों नहीं 20% के अंदर से भी कोई पॉलिटिकली इंसान ऐसा बने जो लीडर बने। उन्होंने डेवलपमेंट की भी बात की, उन्होंने कहा योगी के राज में आप देखिए रस्ते में कितने बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं और अगर हमारे एमएलए जीत के जाएंगे तो इसके लड़ेंगे। उन्होंने एजुकेशन पे बात करी, उन्होंने डेटा बताया कि यूपी के अंदर जो मुसलमान वर्ग है 2% भी ग्रेजुएट नहीं है, उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने योगी की जो कोविड के ऊपर फेलियर हुए उस बात के ऊपर भी बात करी। उन्होंने ये भी बताया कि अगर उत्तर प्रदेश को विकास करना है तो इतने साल से 60 साल से जो पॉलिटिकल पार्टियां पावर में थी उन्होंने क्या किया, इनको सबको सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों के 90% वोट इन लोगों ने लिए, सत्ता की कुर्सी पे आके बैठे, चाहे फिर समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, वही वोट आपको चाहिए। और सवाल आपसे पूछती हूँ, ट्विटर पर अभी ही एक सवाल आया है अर्चना श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव आगे बढ़ाने की कोई कार्य किए। अरे भैया अर्चना श्रीवास्तव ओवैसी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तेलंगाना से इन्होंने भेजा है और उन्होंने कहा है इन साहब को तेलंगाना ने बरसों बरस नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया है, ना कोई मुद्दा है ना कोई कौम की भलाई करने की कोशिश, दर बदर भटकने के बाद अब उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छा। भटकाने का काम कर रहे हैं, आम जनता अपना जीवन सुख शांति पूर्वक बिताना चाहती है, ना कि इनकी धर्म के नाम पर बैर फैलाने की राजनीति। अर्चना जी को आप क्या कहेंगे? मैं अर्चना बहन को ये बताना चाहूंगा, अर्चना बहन आप मेरे साथ चलिए, नविका जी को भी ले लेंगे, नुपुर जी को भी ले लेंगे, तेलंगाना के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ 5 ओवैसी स्कूलें हैं बड़ी बड़ी जिसके अंदर हमारे हिंदू भाई बहन के बच्चे भी पढ़ते हैं, 3 स्कूल में फ्री एजुकेशन दिया जाता है,
तीन ओवेसिस के हॉस्पिटल है जिसमें हमारे हिंदू भाई बहनों का भी इलाज होता है, दो हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है, तो क्या इस तरह का कार्य किसी भी दूसरी पार्टी के मंत्री ने अपने स्टेट में किया है कि आप मुझे जवाब दीजिए। जिसका नतीजा ये है कि पिछले 52 साल से ओवेसी साहब को हैदराबाद तेलंगाना की जनता मोहब्बत से प्यार से दुआओं से नवाजती है और वहां पे जब जीतते हैं वो तो सामने वालों की डिपॉजिट भी खत्म हो जाती है। या आप मेरे साथ चलिए दारुसलाम में, हमारा जो हेडक्वार्टर है तेलंगाना में, सुबह में सातों सात हमारे MLAs इंक्लूडिंग अवर पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुसलाम में आके बैठते हैं, जो भी पब्लिक का ग्रीवेंस है सुनते हैं और इमीडिएटली उन ग्रीवेंस को खत्म करते हैं। आप आइए मेरे साथ दारुसलाम में आके देखिए ना, आप जवाब दीजिए बारिश पठान जी को। तो नविका जी जो सजा आप देना चाहते हैं, ओवैसी जी अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी करें, देश के लिए क्या कर रहे हैं पहले इतना बता दीजिए। ओवैसी का स्कूल चलता है भैया, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अरे तो देश की तो भलाई कर रहे हैं। देखिए आई एम सॉरी नविका जी, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। अगर ये पब्लिक फंड से चलते हुए स्कूल को, करदाता के चलते हुए स्कूल को ओवैसी का स्कूल बता रहे हैं तो गलती इनकी है, पहले उसको करेक्ट कर ले। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, अब सुनते हैं आराम से, 2020-2021 के बीच में माइनॉरिटी अफेयर्स के बजट के अंदर 850 करोड़ की बढ़ोतरी दी है मोदी जी की सरकार ने। यूपीए 2 से मोदी 1.0 सरकार के बीच में जो माइनॉरिटी के बच्चों को, माइनॉरिटी के सेक्शन के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो यूपीए 2 मनमोहन सिंह की सरकार में 5,300 करोड़ की थी और एनडीए 1 मतलब मोदी 1.0 सरकार में 8,700 करोड़ की थी, जिसमें लगभग मुसलमानों को लगभग 40 लाख ज्यादा मुसलमान बच्चों को ये स्कॉलरशिप का प्रावधान मिला है। पॉइंट नंबर 3, सबसे ज्यादा 2019 के अंदर सबसे पहला निर्णय क्या लिया था मोदी 2.0 ने, कि मदरसों के अंदर स्टेम एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा, उनको मेन स्ट्रीम करो ताकि हमारे मुसलमान बच्चे, उनको सही नौकरी मिले, सही दिशा मिले, कॉलेज और टेक्निकल एजुकेशन मिले, जिससे आगे वो बढ़ पाए, आगे पढ़ पाए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। और यहाँ पे मैंने बहुत पहले सुधीर जी को ये कहते हुए सुनाया था जय श्री राम चल रहा है, ये जय श्री राम तो चला था ब्राह्मण सभा के अंदर 2020-21 का एक आंकड़ा बता दो रुकू जी, जिसके अंदर जय श्री राम भी बोला गया, मायावती बहन मायावती द्वारा जय सिया राम भी बोला गया, हर हर महादेव भी बोला गया। तो यहाँ बैठ के कह देना बीजेपी सब करती है, हम तो पास साफ है, फिर अपनी ही बात पे 180 डिग्री यू टर्न ले लेना बहुत आसान है। आंकड़ों की बात कीजिए भाई साहब, आप आंकड़ों की बात कीजिए। तापमान बढ़ता चला जा रहा है और अगर अभी स्टूडियो में ये हाल है तो कल उत्तर प्रदेश के चुनाव रैलियां जब बढ़ जाएंगी तब उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर क्या हाल होगा देखना पड़ेगा। हमारे रिपोर्टर लगे हुए हैं, कल हम आपके सामने ऑपरेशन मुख्यमंत्री लाए थे। अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और वापस आके समाजवादी पार्टी और पठान साहब से मेरे सवाल जारी रहेंगे, जाइएगा मत, आ रही हूं लौटकर बस 2 मिनट। इस वक्त मुसलमान वोट के लिए भारी लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी साहब का 3 दिन का दौरा बस आज खत्म हो रहा है, आगाज हो गया है और आज 30 मिनट की रैली स्पीच में उन्होंने 12 बार यादवों को कोसा। सवाल आपसे पूछती हूं कपिल श्रीवास्तव जी के समाजवादी पार्टी मुसलमान और यादव साहब आ गए हैं, यादव के वोट पर अपनी पॉलिटिक्स रखी हुई है और उधर ओवैसी बहस में तो मैं हट जाता हूं, पर अगर मैं हूं तो मेरा एक छोटा सा उत्तर लीजिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बातों को टिप्पणियों को रखा है। बिल्कुल आपके पास आ रही हूँ, बिल्कुल भदौरिया साहब, बिल्कुल आपके पास आ रही हूँ श्रीवास्तव जी के बाद, बिल्कुल आपकी बारी। सवाल श्रीवास्तव जी से है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि 12 बार यादवों को कोसना पड़ा ओवैसी साहब को? पॉट होल, विकास, बीजेपी को तो कोसते थे वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन यादवों को क्यों? देखिए लोकतंत्र में कोसने का अधिकार सारे पार्टियों के नेताओं को है और कौन कोस रहा है कौन नहीं कोस रहा है इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को अगर फर्क पड़ता है कि उनके मुद्दे पर कौन पार्टी खड़ी है, कौन उनकी आवाज बन रही है, कौन उनकी आवाज नहीं बन रही है। हम अपनी सिर्फ बात करना जानते हैं और हम ये चीज स्पष्ट रूप से आपसे कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का कोरा नारा नहीं स्थापित किया, हमने किया है, हमने डिलीवर किया है और हमने बिना किसी बंटवारे के डिलीवर किया है।
अगर हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया, सभी खेल रहे हैं उसमें। अगर हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनाई, सभी खेल रहे हैं। कन्या विद्याधन दिया, सभी को दिया। और अगर हमने समाजवादी 54 लाख पेंशन दी, सभी को दी। 25 लाख अगर हमने लैपटॉप दिया, सभी को दिया। बेरोजगारी भत्ता दिया, सभी को दिया। कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट से जुड़ा जितना भी हमने काम किया वो सबके लिए किया। समाजवादी पार्टी MY समीकरण में अगर विश्वास करती है तो ये करती है कि माई यानी मेरा जो भी कुछ नागरिक हमारे उत्तर प्रदेश में है या हमारे देश में, वो सब हमारे हैं। लेकिन आप माई का या अन्य मीडिया के चैनल्स या अन्य हमारे स्पोक पर्सन जो चाहे वो निर्वचन कर सकते हैं, लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूँ। भदौरिया साहब उत्तर प्रदेश की भदौरिया साहब यहाँ सब अपनी अपनी विशेषताएं बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जजमेंट कहती है कि अगर धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगा जाए तो ये गैर कानूनी होगा। ओवैसी जी भी बात कर रहे हैं जातियों की, धर्मों की। देखिए अभी नूपुर जी ने भी छोटी मोटी पर देखिए नूपुर जी ने कहा कि हम संविधान को नहीं मानते। संविधान को इनके बारे में भी देख लीजिए, इनके मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी और वो सुप्रीम कोर्ट में गए और एक एफिडेविट दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर इस शहर अयोध्या के अंदर हम कुछ भी नहीं होने देंगे। और फिर उसी अयोध्या शहर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए एफिडेविट की धज्जियां उड़ा दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद वो भी इनके बारे में कह दिया। और उसके बावजूद आप हमसे ये प्रश्न कर रही हैं कि हम लोग अवहेलना करते हैं। अवहेलना तो जितनी इन लोगों ने की है भारतीय जनता पार्टी ने शायद ही किसी और ने की हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ विकास के नाम पर। भदौरिया साहब मुख्यमंत्री थी, 1992 का सवाल पूछ रहे हैं, 2021 का सवाल है। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की। हमने कहा मैंने अपनी बात को समाप्त नहीं किया। नूपुर जी एक लाइन और रह गई, हमने हमारी एक लाइन रह गई है क्योंकि आपको लगता है कि आप ही को सब कुछ पता नहीं है। मैंने बात नहीं समाप्त की क्योंकि महिला के साथ तो आपने हाथरस में किया, आपने हाथरस में किया और पूरे देश ने देखा। आपने जो हाथरस में किया वो पूरे देश ने देखा। हाथरस में दलित बच्ची के साथ उसका रेप हुआ, रेप के साथ उसको जला दिया और उसके माँ बाप को भी उसकी बॉडी नहीं दी। ये आपका योगदान है। मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, आप मुझे प्लीज बोलो। गोल पोस्ट क्या है? आपके लिए गोल होगा, आपके लिए गोल होगा, हमारे लिए आत्म सम्मान की लड़ाई है। आप गोल करती होंगी, आप फुटबॉल खेलते होंगे राजनीति के, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते, हम सिद्धांतों पर चलते हैं। नेता बसपा में था। अरे आप लोगों ने जो हाथरस में किया और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे आपने कराए जिसमें अल्पसंख्यकों की भी जान गई, इसको पूरे देश ने देखा है। ऐसा नहीं है कि आपने ये सब किया हो। आपका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आप महिला हैं, पर आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप दलितों की हत्या हो, महिलाओं की, उनके साथ गैंग रेप हो, उनके साथ यही बात समाजवादी पार्टी की। नविका जी, समाजवादी पार्टी के उठाइए और दूसरे दिन क्या हुआ? बात नहीं उठाइए और दूसरे दिन क्या हुआ? क्या हुआ पूछना चाहती हूँ। तो जो मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई, नेताजी ने जो गोलियां चलवाई, मरे केवल हिंदू क्यों? मरे केवल हिंदू संत और साधु क्यों? मुसलमानों पे क्यों नहीं चलवाई? 2004 के अंदर सरकार इनकी थी, ऐसा निर्णय क्यों लिया गया कि शुक्रवार की नमाज के लिए सारे स्कूल बंद कर दो, ब्रेक ली जाएगी नमाज पढ़ने के लिए, चाहे छात्र हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कुछ भी हो। ये केवल के संविधान में विश्वास है नूपुर जी? आपको देश के संविधान में विश्वास है नूपुर जी? आपको देश के संविधान में विश्वास है? आपको देश के संविधान में विश्वास है? हमारे
गिरिडीह से जो विधियां विधिमान्यता लेती है उस सीआरसीसी में आपकी आस्था है, उस सीआरसीसी में आपकी आस्था है। ये कौन सा सवाल है? आप क्योंकि एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ, कम से कम वाजिब बात का डिस्कशन होना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए कपिल श्रीवास्तव को। मैं पूछ रहा हूँ इस देश के संविधान में आपको विश्वास है कि नहीं, और इस संविधान के तहत जो ब्रिक्स नाम से विधिमान्यता लेती हुई हमारी सीआरसीसी है उसमें आपको विश्वास है कि नहीं है, और इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास है कि नहीं है? हिंदुओं के खिलाफ लोगों की देना पड़ेगा जवाब, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अगर एक एडवोकेट के रूप में भी कह सकती है, मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। उन जुलूस बातें करने से ये देश नहीं चलता है, ध्रुवीकरण से इस देश का कोई कल्याण नहीं होगा। तो ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है ये जनता तय करेगी। पर वारिस पठान जी, जाने से पहले बस आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी एक अलायंस है, आपकी एक अलायंस ओवैसी साहब ने अभी अभी बनाई है उत्तर प्रदेश में, और उसके नेता आपके साथ हैं ओम प्रकाश राजभर। उनको कैंडिड कैमरा में पकड़ा है टाइम्स नाउ की, टाइम्स नाउ नव भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम में, और वो क्या कह रहे हैं? हम जिसके साथ जाते हैं उसका रेट बढ़ जाता है, फिर हम पैसे लेते हैं, और इलेक्शन के लिए तो पैसे चाहिए ही होते हैं। वारिस पठान जी, ये है डेवलपमेंट, ये है फॉर्मूला डेवलपमेंट का, और ये है आपके दोस्त जो कहते हैं मुसलमानों के सामने ओवैसी कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। अभी आपको नहीं, अभी मैं आपको जवाब देता हूँ। नुपुर शर्मा की लगता है मैंने किसी दुखती रक्त के हाथ पर हाथ रख दिया, वो एकदम उत्तेजित हो गई, चिल्ला पुकार करने लग गई, मुझसे सवाल करने लग गई, पांच काम गिनाई एमआईएम ने क्या किया। मैं आपको 500 ऐसे काम दिखाता हूँ जो एमआईएम ने किया है, लोगों की सेवाओं के अंदर, हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए भी किया है। आप मुझे बताइए, योगी ने यूपी में 5 साल में 7 डेवलपमेंट के कौन से काम किए, मुझे बताइए। 5, अरे पेट्रोल जिंदाबाद, डीजल इसी में रह गया। सवाल ओम प्रकाश राजभर पे था, मोदी से सवाल तो आप 365 दिन पूछते हैं, आपसे सवाल ओम प्रकाश राजभर पे पूछा था। आपके आपके अलायंस में बैठे हैं पठान साहब, उनके ऊपर तो कोई टिप्पणी दे दीजिए, या चारों खाने चित और कोई जवाब नहीं है आपके पास? आप लोगों की वजह से बेगुनाह लोगों की जाने चले गई। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, डेवलपमेंट का डिबेट, डेवलपमेंट का डिबेट हम कल कर लेते हैं। आप दोबारा आमंत्रित हैं, आप मुझे आज बस एक चीज का जवाब दे दीजिए। राजभर पर कोई टिप्पणी है? राजभर जो रेट बढ़वा देते हैं लोगों के, उन पर कोई टिप्पणी है आपकी? देखिए वो जो राजभर साहब के साथ क्या, वो जो भी होगा आगे सबको पता चलेगा, चुनाव को 4 महीने बाकी, आहिस्ता आहिस्ता सब बातें पर अब तो हमने दिखा दिया कैमरे पर रेट बढ़ने घटने का खेल दिखा दिया, उस पर तो बोल दीजिए रेट का कितना चल रहा है आजकल, ये तो बता दे। तो ऐसे तो कैमरे पे कितने आपने दिखाए हैं, आप ही के कैमरे ने दिखाया था तैरती हुई लाशों को गंगा घाट के ऊपर, नविका जी में भूला नहीं हूँ। तो उसको तो बहुत इस्तेमाल किया आज की डिबेट में भी आपने, उस सच को तो आपने बहुत कुछ डिमांड, अरे उस सच को तो आप यूज कर रहे थे, उस सच को आपने इस्तेमाल किया। ये सच जो हम दिखा रहे हैं ये आपके गले नहीं उतर रहा दोस्तों, और रेटों के बीच में फंस गए हैं, दलदल है ये इलेक्शन का। दर्शकों, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, और यही है मेरा नजरिया, कि ये था आगाज, अंजाम क्या होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का। अभी से यादव मुसलमान का बंटवारा, जिनको मुश्किल है भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने का, वो अगर कैमरा लाशें दिखाता है, योगी के खिलाफ आवाज उठाने होता है तो फट से उठा देते हैं, लेकिन कैमरा अगर रेट बढ़ाने की बात करता है तो उस पर चुप्पी साध लेता है। दर्शकों, शुरू हुआ है ये खेल, इनके लिए, नेताओं के लिए ये शायद खेल ही है। आपकी और हमारी जिंदगी चाहे दाव पर लगी हो, हमारे दसियों मुसीबतें हो, वो शायद सॉल्व करने, उन्हें सुलझाने कोई नहीं आएगा। इसलिए कह रही हूं, आज जो आपने देखा वो था ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है दर्शकों, इंतजार करिए यूपी के चुनाव का।